अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट प्लेस वॉवल शॉर्ट फॉर्म, उसके बाद एक्सरसाइज डिस्कस की थी। आज हमने पढ़ना है सेकंड पोजीशन। ठीक है, सेकंड पोजीशन जो हमने पढ़नी है ये थोड़ी समझने वाली बात है। ठीक है, देखें दी सिर्फ दो लाइनें हैं, लेकिन इन लाइनों में ये बोलना क्या चाह रहा है पिटमैन, क्या समझाना चाह रहा है, ये हमने समझना है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है और आगे इसके बाद ये एग्जांपल्स दी गई हैं। ठीक है, तो सिर्फ इतनी सी बात हम लोगों ने समझनी है और इसके बाद आप लोगों को ना, अगर आप लोगों ने ये टॉपिक समझ लिया तो इसके बाद आप लोगों को कोई टॉपिक मुश्किल नहीं लगेगा पूरी बुक में। ठीक है, जितने भी बुक है इस पूरी बुक में कोई भी टॉपिक आपको मुश्किल नहीं लगेगा। तब देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। व्हेन अ सेकंड प्लेस वॉवल इज द फर्स्ट प्लेस वॉवल इन अ वर्ड, द आउटलाइन इज रिटन इन सेकंड पोजीशन, डेट इज द फर्स्ट डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक रेस्ट ऑन द लाइन। अब मैं आपको बताती हूँ कि कहना क्या चाह रहा है सब। चैप्टर नंबर हम लोगों ने 4 पढ़ना है और हमने चैप्टर नंबर 4 में क्या पढ़ना है, सेकंड पोजीशन। ठीक है, अब हम लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है प्लेसिंग, एक होती है पोजीशन। ठीक है, मैंने बताया था कि जब हम सेकंड प्लेस वॉवल को लगाते हैं तो स्ट्रोक को लाइन के ऊपर रखते हैं। ठीक है, जब हम, मैंने कल फर्स्ट प्लेस वॉवल पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि पहला स्ट्रोक जो है वो लाइन से ऊपर होगा। सेकंड प्लेस के लिए, मतलब ये हमारे पास लाइन है ना, सेकंड प्लेस का वॉवल जब हम लोग लिखेंगे, स्ट्रोक लिखेंगे, तो वो लाइन के बिल्कुल लाइन पे होगा, और जब फर्स्ट प्लेस का लिखेंगे तो वो अबव दी लाइन होगा। ठीक है, जब बिल्कुल लाइन पे स्ट्रोक होगा तो हम क्या कहेंगे कि ये सेकंड प्लेस का वॉवल है, और जब अबव दी लाइन होगा तो ये फर्स्ट प्लेस वॉवल का होगा स्ट्रोक। ठीक है, मतलब कि दो चीज़ें बदलती हैं वावल के हिसाब से, एक तो स्ट्रोक की जगह, दूसरा वावल की जगह। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करती हूँ। इसको, इस बात को जहन में रखना है कि जब भी हम स्ट्रोक लिखते हैं तो दो चीज़ें जहन में रखते हैं, पहला स्ट्रोक की जगह, दूसरा वावल की जगह। ठीक है, एक तो हम स्ट्रोक को जहन में रखेंगे कि वो लाइन पे, बिल्कुल लाइन पे होगा, या अबव दी लाइन होगा, या थ्रू दी लाइन होगा, और इससे हम लोग ये जहन में रखेंगे कि साइन जो है वो यहाँ पे लगेगा, या यहाँ पे लगेगा, या यहाँ पे लगेगा वावल का साइन। ठीक है, ये दो बातें हम लोगों ने जहन में रखनी होती है, स्ट्रोक की जगह और वावल की जगह। एक होती है प्लेसिंग, मैंने आपको पहले बताया कि दो चीज़ें होती हैं, प्लेसिंग और पोजीशन। प्लेसिंग का ताल्लुक जो होता है वो वावल से होता है। ठीक है, वावल्स मतलब डॉट्स और डैशेस से, कि जब हम लोग इस बारे में सोच रहे होंगे कि हमने स्ट्रोक पे, मतलब ये डॉट्स और डैशेस कहाँ पे लगाने हैं, तो हम लोग असल में ये देख रहे होते हैं कि हमने प्लेसिंग क्या करनी है। ठीक है,
जब हम लोग सोच होंगे कि हम लोग ने फर्स्ट प्लेस वावल लिखना है या सेकंड प्लेस वावल लिखना है या थर्ड प्लेस वावल लिखना है, तो हम लोग असल में प्लेसिंग के बारे में सोच रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा है पोजीशन। पोजीशन का ताल्लुक जो है वो स्ट्रोक से है। ठीक है, हम ये देखते हैं कि स्ट्रोक या कंसोनेंट्स को कहाँ पे लिखना है, तो हम लोग क्या ध्यान में रखते हैं कि या तो स्ट्रोक अबव द लाइन होगा, या फिर ऑन द लाइन होगा, या फिर थ्रू द लाइन होगा। ठीक है, अबव द लाइन, ऑन द लाइन, या फिर थ्रू द लाइन। इतनी सी बात आप लोगों ने समझनी है प्लेसिंग और पोजीशन के बारे में। क्या समझना है कि जब हम लोग प्लेसिंग कर रहे होते हैं, मतलब आउटलाइन लिखते वक्त जब हम लोग सोच रहे होते हैं कि हम लोगों ने इसमें फर्स्ट प्लेस वावल लगाना है, सेकंड प्लेस वावल लगाना है या थर्ड प्लेस वावल लगाना है, तो हम एक्चुअली प्लेसिंग के बारे में सोच रहे होते हैं। और जब हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि हम लोगों ने स्ट्रोक जो है अबव द लाइन लिखना है या फिर ऑन द लाइन लिखना है या थ्रू द लाइन लिखना है, तो हम एक्चुअली पोजीशन के बारे में सोच रहे होते हैं। और ये जो थ्रू द लाइन वाला स्ट्रोक है, इसके बारे में आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बस आपने सिर्फ इस स्केच को जहन में रखना है, इस स्केच को आप लोगों ने जहन में रखना है कि प्लेसिंग का ताल्लुक किससे है और पोजीशन का ताल्लुक किससे है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये दो चीज़ें बार बार क्यों बता रही हूँ। इसलिए कि जब भी हम लफ्ज़ लिखेंगे तो मेन दो कानून ही देखे जाते हैं। ठीक है, इन दो रूल के अलावा और कोई रूल नहीं होता। ठीक है, इन रूल के अलावा और कोई रूल नहीं होगा। जब भी हम लोग अपने पेन को, हमारे जहन में जब सवाल आएगा कि हमने अपना पेन कहाँ से शुरू करना है, हम लोग अपनी मर्जी से अपने पेन को स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अपनी मर्जी से हम लोग शॉर्ट हैंड में पेन को स्टार्ट नहीं कर सकते। हमने हर रूल फॉलो करना होगा कि हमने या तो ऊपर से लिखना स्टार्ट करना है, या यहाँ से स्टार्ट करना है, या फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, इसको आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना, इस चीज़ को। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन दो लफ्ज़ों की अहमियत क्या है, प्लेसिंग और पोजीशन। शायद आपका जहन भी उलझ रहा हो कि प्लेसिंग और पोजीशन असल में है क्या, कि हम ये इन चीज़ों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, इन दोनों के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बताती चलूं कि जब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 36 पे पहुंचेंगे, जब हम लोग 36 एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे, 36 एक्सरसाइज से पहले पहले हमें सारे रूल बताए जा रहे हैं। ठीक है, हमें काबिलियत पैदा करने के लिए कि हम इस अपनी स्पीड को तेज़ कर सकें, उसको बेहतर बना सकें, अपने पेन को कैसे कंट्रोल कर सकें, 36 एक्सरसाइज तक हमें यही बात समझाई जा रही है। ठीक है, जब 36 नंबर एक्सरसाइज पे हम लोग पहुँचेंगे, तो उसके बाद हमारे ये वावल साइन जो है ना, ये ख़त्म कर दिए जाएंगे। जैसे ही वावल साइन ख़त्म हो जाएंगे, तो आप इतना काबिल बन जाएंगे ना, जितनी भी आप लोग प्रैक्टिस कर चुके होंगे, आप लोग इसके थ्रू इतने काबिल बन चुके होंगे कि आप वावल के बगैर ही अपनी आउटलाइन पढ़ सकेंगे कि इस वक्त हमने ये लफ्ज़ क्या लिखा है। ठीक है, अगर स्ट्रोक बगैर वावल के अबव द लाइन लिखा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट प्लेस वावल ही है, जो भी है फर्स्ट प्लेस वावल है।
अगर ऑन द लाइन लिखा होगा तो आपको पता चल जाएगा ये सेकंड है, और अगर थ्रू द लाइन लिखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये थर्ड प्लेस वॉवल है। ठीक है, वॉवल के बगैर ही आपको पहचान हो जाएगी अपनी आउटलाइन की। चलें अब मैं आपको टॉपिक पे आती हूँ कि टॉपिक में क्या समझाना चाह रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्लेसिंग और पोजीशन के बारे में समझ आ गई होगी। ठीक है, अब बुक में वो क्या कहना चाह रहा था, ये सारा मैंने आपको इसीलिए समझाया है ताकि जब बुक में लिखा हुआ है वो समझ आ जाए। एक्चुअली ये भी नहीं था सवाल, ये सेकंड प्लेस सेकंड पोजीशन। व्हेन अ सेकंड प्लेस वॉवल इज द फर्स्ट वॉवल इन अ वर्ड, द आउटलाइन इज रिटन इन सेकंड पोजीशन, डेट इज द फर्स्ट डाउन स्ट्रोक आर अप स्ट्रोक रेस्ट ऑन द लाइन। अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो फॉरवर्ड में लिखे जाते हैं फॉरवर्ड रिटर्न स्ट्रोक्स जो हैं उन पे हम लोग पोजीशन अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जो कौन से हैं, पांच हैं, के गे एम एन इंग, इन पांचों पे हम लोग पोजीशन अप्लाई नहीं कर सकते। ये बात आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है कि इन पांच स्ट्रोक्स पे पोजीशन बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो सकेगी। उसने कहा है कि मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ कि एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं। एग्जांपल्स हैं, अच्छा हमने क्या पढ़ा है कि के गे एम एन और इंग, मतलब ये वही एन जी। ठीक है, के गे एम एन इंग पे हम लोग पोजीशन अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एग्जांपल समझाऊंगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैं एक्चुअली क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, लव्स है गेट, अब गेट जब लिखेंगे हम, अब पहला लव्स क्या आ रहा है, गे गेट, तो इस पे हमने क्या पढ़ा है कि पोजीशन अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद का जो स्ट्रोक होगा उस पे पोजीशन अप्लाई होगी जो कि है टी। ठीक है, टी पे पोजीशन अप्लाई होगी, जी गे पे नहीं होगी, जी पे। किस तरह से, अब देखें गेट वावल की कौन सी साउंड आ रही है, सेकंड प्लेस वावल। सेकेंड प्लेस वावल का मतलब है कि हमारा जो स्ट्रोक है वो सॉरी ऑन द लाइन होगा, तो हमने जो टी लिखना है वो ऑन द लाइन है, ऑन द लाइन पे लिखना है टी का स्ट्रोक, तो साथ में गे का फिर यहाँ पे ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए जब हम लोग गेट लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे, साथ में शॉर्ट ई का वॉवल साइन। फिर आ गया हमारे पास एनफ, एनफ। ठीक है, एनफ में अब हमारे पास फिर से एन आ रहा है, तो एन पे भी हम लोग पोजीशन अप्लाई नहीं कर सकेंगे। एनफ के एन के बाद हमारे पास एफ की साउंड आ रही है, जी एच की साउंड F। ठीक है, F की साउंड आ रही है तो हम लोग इस पे पोजीशन अप्लाई करेंगे जो कि यहाँ पे बनेगी,
सेकंड प्लेस पे, क्योंकि ई जो है हमारे पास वो क्या है, सेकंड प्लेस है, सेकंड प्लेस वॉवल है, ठीक है, शॉर्ट ई। तो हमने एन का स्ट्रोक लिखना है, फिर साथ में एफ का लिख देना है, और एन नफ, पहले एन शॉर्ट ई के साउंड, फिर नफ वावल के साथ, दूसरे वावल का सेंट, ठीक है, एनफ। फिर क्या है हमारे पास, मंडे, मंडे, मंडे में भी हमारे पास पहले हम लोग ने साउंड दे, मतलब साउंड सुन के ना बोल के हम लोगों ने नोट करना होता है कि इसमें के जी एम एन या इंग तो नहीं आ रहा, ठीक है। मंडे में भी अब हमारे पास एन आ रहा है, तो एन पे पोजीशन अप्लाई नहीं करनी, एन के बाद जो आ रहा है डी, इस पे पोजीशन अप्लाई करनी है, ठीक है। एम का स्ट्रोक, एन का स्ट्रोक, फिर डी वावल साइन, और यहाँ पे भी डे लॉन्ग ए का साइन, ठीक है। नीचे टू डैशेस के फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है, मंडे। इसी तरह इंगेज, गेज, इसमें भी गे का साउंड आ रहा है जी वाला, तो गे पे हमारा जो है ना ये पोजीशन जो है गे पे ये अप्लाई नहीं होगी, जे पे होगी, इंगेज, ठीक है। तो उसी तरह एन का स्ट्रोक, फिर गे का स्ट्रोक, और फिर जे का, साथ में वावल साइन लगा देने, इंगेज, ठीक है। मंथ, फिर से एन आ रहा है हमारे पास, एन के बाद जो आ रहा है उसके, उस पर हम लोग ने अपनी पोजीशन अप्लाई करनी है, जो कि है इत, मंथ, ठीक है। एम, एम का स्ट्रोक, एन का स्ट्रोक, इत, साथ में वॉवल साइन, मंथ। इनवेलप, इनवेलप, इसमें भी एन आ रहा है, तो एन के बाद हमारे पास वी आ रहा है, वी का साउंड, इनवेलप, वी का स्ट्रोक आ रहा है, तो हम लोगों ने पोजीशन किस पे अप्लाई करनी है, वी पे, ओके। एन वी वेलप, एल पी शॉर्ट ई, और इधर भी वावल का साइन एल के साथ, इनवेलप। फिर हमारे पास आ रहा है कप, क्या आ रहा है कप, इसमें सिंपल वही बात कि के की साउंड आ रही है कप, तो हमने के पे पोजीशन अप्लाई नहीं करनी है, हम लोगों ने पी पे पोजीशन अप्लाई करनी है, ठीक है। कप हम लोगों ने देखना है कि साउंड जो है कौन से वॉवल की आ रही है, शॉर्ट यू की आ रही ना, शॉर्ट यू जो है वो सेकंड प्लेस वॉवल था, तो सेकंड प्लेस वॉवल में ये हम लोग ने पढ़ा था कि स्ट्रोक हमारा जो है वो ऑन द लाइन होगा, तो हमने पी को ऑन द लाइन पे रखना है, और साथ में के का स्ट्रोक, के। अब ऐसा नहीं होगा कि आप उल्टा स्टार्ट करें, ऐसे ऐसे नहीं, स्टार्ट आप लोगों ने यहीं से लेना है, ठीक है। इसी तरह लेग बी, डेड बी, कॉल बी, और टेक, ये सारी एग्जांपल्स बुक में दी हुई थी जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी हैं, सेकंड प्लेस सॉरी सेकंड पोजीशन के लिए, ठीक है। इन दो लाइनों में ये वो यही बात समझाना चाह रहा था, थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन अगर आप लोग समझ लेंगे तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। व्हेन अ सेकंड प्लेस वावल इज द फर्स्ट वावल इन अ वर्ड, कि जब फर्स्ट वावल हमारे पास जो है वो सेकंड प्लेस वावल का होगा, द आउटलाइन इज रिटन इन सेकंड पोजीशन, तो आउटलाइन जो है वो हमारे पास सेकंड पोजीशन में लिखी जाएगी, डेट इज द डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक रेस्ट ऑन अ लाइन। जो बात मैंने आपको समझाई है वही ये कहना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे ये एग्जांपल्स वही हैं, गेट, एनफ, मंडे, एंगेज, मंथ, एनवेलप, कप, लेग, डेट, कॉल, टेक, ठीक है। अगर आप लोगों को फिर भी समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर गिवन है,
और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो। ओके, लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि आप लोगों को समझने में फिर आसानी हो जाए। ये और एग्जांपल्स का भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप लोग ने क्या करना है, इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है और साथ में ये एक्सरसाइज नंबर 9। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 9 आप लोग जब ये इसको समझने की कोशिश करेंगे ना, क्या लिखा हुआ है, क्या कहना चाह रही हैं, तो आप लोगों को खुद ही जो है ना सेकंड पोजीशन जो है वो समझ आ जाएगी। ठीक है, पहले आप लोगों ने वो समझना है जो मैंने कहा है, ये सारी बातें समझनी है, उसके बाद आप लोगों ने ही एक्सरसाइज करनी है। 2 दफ़ा मुझे एक्सरसाइज ये लिख के दिखानी है आप लोगों ने। ठीक है, पहले समझना कि लिखा हुआ क्या है, जब समझ लें तो उसके बाद आप लोगों ने लिखना है। यही आपका होमवर्क है और यही था आज का लेक्चर। कल हम लोग अपना ये चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।